नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप दसडी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं मौजूद हूं गांधी मैदान में। देखिए, एक दिवसीय धरना था राजद का, जो अब कह सकते हैं कि गांधी मूर्ति के पास एक दिवसीय धरना था कृषि बिल को लेकर। जिस तरह से कृषि जो कानून है उसको लेकर कह सकते हैं ये पटना में धरना था गांधी मैदान के पास। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी मैदान की जो सुरक्षा है पूरी तरह से व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। और कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि गांधी मैदान के अंदर जो सुरक्षा है वो तैनात कर दी गई है कि कोई गांधी मैदान के अंदर नहीं जाए। और गांधी की जो गांधी मैदान का जो गेट है वो पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है चारों तरफ का। और ये गांधी मैदान के 4 नंबर गेट, यानी कह सकते हैं ये गेट नंबर 4 है। और 4 नंबर गेट के बाहर ही धरने पे राजद के जो कार्यकर्ता हैं और नेतागण हैं वो तमाम जो हैं, बड़े नेता हो या छोटे नेता, अभी बड़े नेता तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं लेकिन धरने पे लोग बैठ गए हैं। हमारे साथ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस सर आज एक दिवसीय धरना था सर आप लोग का, लेकिन धरना का कार्यक्रम नहीं था जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक संकल्प लेने की बात थी। तो धरना था सर लेकिन आप लोग गेट नंबर 4 पे ही बैठ गए। भाई, संकल्प लेना था गांधी जी के मूर्ति के पास जी, किसानों के समर्थन में, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो हम लोग जहाँ मिला वहाँ बैठ गए हैं। हम किसानों के समर्थन में हैं। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है सर, दिल्ली में आए दिन उन पर लठिया चार्ज हो रही है, वाटर टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है किसान को लेकर, क्या कहेंगे सर इस पर? यही तो हम कह रहे हैं कि किसानों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इसके पहले इस तरह का आंदोलन लोगों ने नहीं देखा है। बिहार के किसान भी, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है किसानों के समर्थन में, और किसान परेशान हैं, उनके साथ RJD खड़ी है। और आज हम लोग सड़कों पर हैं और इस किसान के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमने संकल्प लिया है कि कृषि बिल जो किसान विरोधी बिल है इसको वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। सर, अनुमति आप लोग को नहीं मिले तो उसके बाद भी आप लोग धरने पर बैठेंगे? जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार गिरेगी। तो देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि जो राजद के प्रवक्ता जो हैं मृत्युंजय तिवारी, वो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुछ भी हो जाए हम लोग आज गेट नंबर 4 पे ही क्यों ना बैठना पड़े। देख सकते हैं कि जो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम जो हैं गेट नंबर 4 के बाहर ही बैठ गए हैं। और कुछ यहाँ पे महिला भी हैं, उनसे बात करेंगे। किसान को लेकर आज धरने पर आप लोग बैठ गई हैं, आप लोग को अनुमति नहीं मिली है क्या? है 80% लोग कृषि पर निर्भर करता है और इस ज़मीन को वो बड़े बड़े कंपनी के नाम पर रंगी बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ का लोग कैसे जीवन बसर करेगा जब इस तानाशाही लोगों के हाथ में ज़मीन चल जाएगा तब? तो किसान को आज तक ले न्यूनतम मूल्य जो समर्थन मूल्य था वो आज तक तो देने का सरकार काम ही नहीं किया, और ज़मीन भी अब हड़पने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। यदि मोदी जी के कानून से सब खुश रहता तो आज प्रत्येक पूरे देश में प्रत्येक स्टेट से लेकर के केंद्र तक देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है। इससे बढ़कर के तानाशाही और क्या हो सकता है सरकार? देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि जो ये पोस्टर लिया गया है, लोग पोस्टर लेके बैठे हुए हैं कि किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो का नारा है, किसान के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा, ये सारे चीज़ों इनकी मांग है किसान को लेकर। और पटना में, पटना के गांधी मैदान में पहुँचे हैं और तमाम जो अभी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो पहुँच गए हैं और लगातार अब धरने पर बैठ गए हैं गेट नंबर 4 के बाहर, और अपनी मांगों को लेकर किसान। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जो बड़े नेता हैं, तो कह सकते हैं विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी भी आने की सूचना जल्द है मिलेगी आपको। क्योंकि जिस तरह से किसान बिल को लेकर किसान को जो न्यूनतम मूल्य है खरीद की उसको मिलने के लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली में भी इसकी विरोध जारी है और पटना में भी अब विरोध देखने के लिए मिल रहा है और बिहार में भी इसकी सियासत तेज हो गई है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें दसडी न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।